दांतों वाली ब्रश से क्या बना रही हो? पेंटिंग बना रही हूँ। दांतों वाली ब्रश से पेंटिंग? हाँ, टूथब्रश से तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनती है। तो क्या ये पेंटिंग दांतों वाली ब्रश से ही बनी है? हाँ हाँ, मैं भी बनाऊंगी। जरूर सीखो। टूथब्रश से ही नहीं, कई और तरीके हैं पेंटिंग बनाने के। इसके लिए हमें चाहिए पेस्टर कलर, वाटर कलर, वैक्स क्रेयॉन्स, टूथब्रश, रुई, माचिस की तीलियां, धागा और स्केल। सबसे पहले हम टूथब्रश से पेंटिंग बनाना सीखते हैं। इसके लिए हम काटते हैं कोई भी आकृति या डिजाइन। ये है मछली की आकृति जो हमने पहले से काट कर रखी है। दीदी, अब क्या करना है? अब इस टूथब्रश पर अपनी मर्जी का कोई भी रंग लगाओ और इस पर छिड़को। ध्यान रहे कि आकृति अपनी जगह से हिले नहीं। ठीक है दीदी। दीदी, पेंटिंग बनाने के इस तरीके को क्या कहते हैं? इस पेंटिंग को बोलते हैं स्प्रे पेंटिंग। दीदी, रंग ठीक से लग गया? हाँ हाँ, ठीक लग रहा है। इस तरह की पेंटिंग में पोस्टर कलर का इस्तेमाल होता है और छिड़काव अंगूठे से ही करते हैं। दीदी, अब तो पेंटिंग बन गई। हाँ, अब तो बन गई। आकृति को उठाओ और देखो कि पेंटिंग कैसी बनी है। कितनी आकर्षक लग रही है। यह भी स्प्रे पेंटिंग है। इसमें एक कागज पर हल्के पीले रंग से स्प्रे करके पृष्ठभूमि तैयार की गई है। डाल और चिड़िया दोनों को अलग अलग रंग से स्प्रे करके काटा गया है और फिर चिपकाया गया है। पेंटिंग में शेड लाने के लिए रंग का कहीं अधिक तो कहीं कम छिड़काव या स्प्रे किया जाता है। आप चाहें तो एक ही पेंटिंग में अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हुई स्प्रे पेंटिंग। आपने कहा था पेंटिंग करने के और भी कई तरीके होते हैं, कोई और तरीका सिखाओ ना दीदी। चलो अब धागे से पेंटिंग करना सीखते हैं। इसे कहते हैं थ्रेड पेंटिंग। इसके लिए हमें चाहिए सूती धागा और पोस्टर कलर। इस रंग में थोड़ा पानी मिला लो। इस धागे का क्या करना है दीदी? इस धागे को अच्छी तरह रंग लो। धागे को ब्रश से ही रंगे तो रंग अच्छे से लगता है। धागा सूती ही होना चाहिए। हाँ, सूती धागे पर रंग अच्छा लगता है। रंग ठीक से लग गया? हाँ, ठीक लग रहा है। अब क्या करना है दीदी? अब इस रंगे हुए धागे को कागज पर रखो। आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं।
अब इसका एक सिरा बाहर छोड़ दो। एक और कागज लो और इस कागज के ऊपर रख दो। अब क्या करना है? अब इसको अच्छे से दबाओ। रख। अब हम इस धागे को हल्का हल्का खींचेंगे। दीदी, अब पेंटिंग तैयार हो गई? हाँ। हाथ हटाओ और खोल के देखो कैसी बनी है। ये तो दोनों कागजों पर पेंटिंग बन गई। हाँ, हम चाहें